देखिए आज हम पढ़ रहे हैं खरगोश और कछुआ की कहानी, ठीक है। इन कहानियों से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलेगी। आप लोग गैस करिए क्या शिक्षा मिल रही, ठीक है। एक खरगोश सदा अपने तेज दौड़ने की डींग हाँका करता था, है ना। क्या हाँका करता है? डींग हाँका करता था। काहे की? दौड़ने की, तेज दौड़ने की डींगे हाँका करता था, ठीक है। गर्व से भरे हुए खरगोश ने एक दिन सबको अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दी। अपने साथ में जो और भी जानवर थे उनको क्या दी? चुनौती दी। किसने दी? खरगोश ने दी, है ना। क्या चुनौती दी? सबको अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दी। एक कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, है ना। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। जंगल के सभी जानवर कछुए की खिल्ली उड़ाने लगे, है ना। कछुआ अब छोटा है, धीरे धीरे चलता है, तो उसकी खिल्ली उड़ाने लगेगी, ये कैसे जीत पाएगा, है ना। उसकी खिल्ली उड़ाने लगे सभी जानवर मिलकर, है ना। जंगल के सभी जानवर कछुए की खिल्ली उड़ाने लगे, पर कछुए ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन सभी जानवर दौड़ देखने के लिए निश्चित स्थान पर इकट्ठे हो गए, दौड़ देखने के लिए, है ना। निश्चित स्थान पर इकट्ठे हो गए। दौड़ शुरू होते ही खरगोश कछुए को छोड़कर काफ़ी आगे निकल गया। दौड़ शुरू होते ही क्या किया खरगोश ने? कछुए को छोड़ के आगे 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 जो है कछुए को छोड़कर काफ़ी आगे निकल गया। रास्ते में उसे पत्ता गोभी का खेत दिखाई दिया। किसे दिखाई दिया? खरगोश को। खरगोश को रास्ते में पत्ता गोभी का खेत दिखाई दिया। वहाँ रुककर उसने जमकर पत्ता गोभी खाई। जब उसने पेड़ पर पत्ता गोभी खा ली तो खाना खाने के बाद क्या होता है? नींद आने लगी। अलाली आने लगती ना, तो उसे नींद आने लगी। तो उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, और वह ऐसा सोचकर सो गया, है ना। लेट कर सो गया। कछुए ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे चलता रहा। अब खरगोश तो बहुत तेज भागता है, कछुए से तेज भागता है, लेकिन वो बीच में सो गया और कछुआ जो है रेगुलर चलता रहा। धीरे धीरे चलता हुआ अंतिम रेखा तक पहुंच गया। अचानक खरगोश जागा और भागा, पर तब तक कछुआ दौड़ पूरी कर चुका था। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि सतत प्रयास से जीत अवश्य मिलती है। मतलब लगातार प्रयास करते रहने से जीत अवश्य मिलती है, भले आपके प्रयास छोटे हों, है ना। लेकिन रोज़ यदि आप प्रयास करोगे, भले थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, अगर किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे रेगुलर लगातार, तो आपको उसमें जीत मिलेगी, है ना। अब कछुआ देखो रेगुलर चलता रहा, अब वो ज़्यादा तेज तो नहीं चल पाता, थोड़ा थोड़ा चलता है, ठीक है। तो उसको एक ना एक दिन तो वहाँ तक पहुँचना ही है ना, जहाँ उसको जाना है। हाँ, अब जो ज़्यादा तेज चल सकता है वो जल्दी पहुँच सकता है, लेकिन अब वो लापरवाही कर रहे हैं लोग, सो गए, खा लिए, पी लिए, आलस की शिकार हो गए, सो गए, तो कछुआ जीत गया इस वजह से। इसलिए छोटे छोटे प्रयास भी सफलता दिला देते हैं, है ना। और सतत कंटिन्यू रेगुलर आप प्रयास करोगे तो आपको जीत अवश्य मिलेगी, इससे यह शिक्षा मिलती है, ठीक है। दूसरी कहानी है लोमड़ी और सारस की। एक दिन एक चतुर लोमड़ी की मुलाकात एक सारस से हुई। उसने सारस को मित्र बनाकर रात्रि में भोजन के लिए निमंत्रित किया, मतलब उसको बुलाया, है ना, निमंत्रण दिया। लोमड़ी ने दो छिछली प्यालियों में सूप परोसा। पतली और लंबी चोंच होने के कारण सारस सूप नहीं पी सका, है ना, चोंच लंबी होने के कारण। वह भूखा बैठा लोमड़ी को देखता रहा और लोमड़ी ने सारा सूप पी लिया उसके सामने, है ना। सारस भूखा ही लौट आया, पर उसने लोमड़ी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। एक दिन सारस ने लोमड़ी को निमंत्रित किया। इस बार सारस ने पतली गर्दन वाली सुराही में खाना परोसा, है ना, सुराही में जिसकी गर्दन पतली होती है ना, खाना परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोंच से खाना खा लिया, पर लोमड़ी कुछ भी ना खा सकी। सुराही की पतली गर्दन में उसकी थूथनी जा भी नहीं सकती, है ना, थूथनी जा भी तो कैसे, है ना। लोमड़ी को अपनी भूल का
एहसास हो गया और वह चुपचाप वापस लौट आई। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो, है ना? जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसे ही आपके साथ होगा, ठीक है? तो इसलिए दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, है ना? जैसे हम बात बात में बोलते हैं तो हमको अच्छे से बात किया करो, है ना? जी लगाकर, आप लगाकर अच्छे सभ्यता से बात किया करो, है ना? तो वैसे लोग भी आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? तो जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अब चलिए दूसरी और दो कहानियाँ देखते हैं। ये इस कहानी का शीर्षक है कंजूस और उसका सोना। कंजूस और उसका सोना। एक कंजूस के पास ढेर सारा सोना था। क्या था कंजूस के पास? कंजूस किसको बोलते हैं मालूम है? जो मतलब किसी भी चीज़ को खर्च करने में बहुत कुश्ताई करते हैं ना, उसको कंजूस बोलते हैं। हिचकिचाते हैं, खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है? उसको कंजूस बोलते हैं, ठीक है? तो एक तो वो कंजूस था, ऊपर से ढेर सारा सोना भी था उसके पास। एक कंजूस के पास ढेर सारा सोना था, उसे खर्च करने की जगह, सोने को खर्च करने की जगह कंजूस ने उसे बगीचे में छिपा रखा था। एक दिन चोर ने कंजूस को सोने की, क्या लिखा है, अस्प्रियां गिनते देख लिया, है ना? सोना में जो उसके अस्प्रियां हैं या टुकड़े हैं जो भी हैं उसको गिनते हुए चोर ने देख लिया। रात में चोर ने आकर जमीन खोदा और धन चुरा लिया। धन चुरा लिया मतलब सोना चुरा लिया, है ना? अगली सुबह जब कंजूस उसे गिनने गया तो सब गायब देख घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि सोना चोरी हो गया। रोना सुनकर पड़ोसी भागे आए। एक पड़ोसी ने कहा, अपना सोना तुम्हें घर में रखना था जिससे तुम खर्च कर पाते। क्रोधित होता हुआ कंजूस बोला, मुझे अपना धन खर्च करना पसंद नहीं। क्या बोल दिया उसने? मुझे अपना धन खर्च करना पसंद नहीं, या मुझे अपना सोना खर्च करना पसंद नहीं। पड़ोसी ने एक पत्थर उठाकर गड्ढे में फेंका और कहा, फिर तुम्हारे सोने और इस पत्थर में कोई अंतर नहीं, है ना? और इससे हमको क्या शिक्षा मिली? धन का उपयोग ना होने पर वह पत्थर के समान है, है ना? इसलिए आपको जो पैसे हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं। धरे धरे क्या काम, उसका तो किसी काम में लगा दो, है ना? तो ये चीज़ है, वो पत्थर के समान हो गया धन, अगर रखा बस है, किसी के काम नहीं आ रहा है, ठीक है? तो किसी ना किसी काम आना चाहिए। चलो दूसरी कहानी देखते हैं, सजग हिरणी। कहानी का शीर्षक क्या है? सजग हिरणी। सजग हिरणी, ये स्टोरी में देखते हैं क्या है। एक समय की बात है, एक खूबसूरत जंगल था, वह पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ था। जंगल है ना, जंगल की ओर एक नदी बहती थी। उस जंगल में एक सुंदर काली हिरणी रहती थी। कानी होकर भी वह अत्यंत प्रसन्न, साहसी और सजग थी। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चरती थी। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाकर वो अपना भोजन ग्रहण करती थी। सभी जानवर उसके मित्र थे। उस चतुर हिरणी ने कई जानवरों को शिकारियों से बचाया था, है ना? क्या किया था? कई जानवरों को उसने शिकारियों से बचाया था शिकार होने से, है ना? एक दिन एक चोटी पर वह घास खा रही थी, एक शिकारी पीछे की ओर से नाव पर सवार होकर आया और उसी चोटी के पास गया जिस पर हिरणी चर रही थी या घास खा रही थी। हालांकि हिरणी घास खाने में व्यस्त थी पर उसके कानों में खतरे का आभास हो गया था, है ना? उसके कानों में जो है खतरे की भनक पड़ चुकी थी। तो शिकारी उस पर निशाना साध ही रहा था कि वह अचानक से मुड़ी, उधर तीर छूटा और उसने तेजी से जंगल में भागकर अपनी जान बचा ली। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है
कि सजगता मुसीबतों से रक्षा करती है। सजगता मतलब पूरा होश हवार। आपको देखो, आप खाना खा रहे हो ना, तो आपके कान तो खुले हैं, आँख तो खुली है ना। अचानक मान लीजिए सांप आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आपको सजग रहना चाहिए, होश और हवास में रहना चाहिए, है ना। जैसे अब यहाँ अपन लोग बैठे हैं, वहाँ से कोई आवाज़ आ जाए तो हमको उठ के देखना चाहिए किस चीज़ की आवाज़ आई, है ना। तो सजग रहोगे तब ना। अब मान लो आप किसी काम में व्यस्त हो, ठीक है, कोई आवाज़ आई, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सो रहे हो, है ना, या होश नहीं है, आप कहीं और मग्न हो। तो यदि आप किसी में चीज़ में मग्न भी हो ना, तो आप इतने सजग रहो, इतने होश हवास में रहो कि बाकी दूसरी चक्र भी आपका ध्यान रहे, है ना, कि कौन आ रहा, कौन धक्का मार दिया, क्या आ गया, क्या गया, है ना, किस चीज़ की आवाज़ आई, है ना, रहना चाहिए कि नहीं। तो ये कहलाती है सजगता, है ना, होश और हवास में रहना, ये सजगता कहलाती है। तो इससे हमको ये मिलती है, सजगता मुसीबतों से रक्षा करती है। यदि आप सजग रहते हो तो मुसीबतों से अपने आप की रक्षा कर सकते हो, है ना। कोई भी सजगता यदि आपको आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी, तो सजग रहोगे तो बच जाओगे, है ना। तो यहीं पे इसको